आप उन लोगों को पहचानते हैं जिसने आपको बाहर किया? हाँ, हम सबको पहचानते हैं। क्या नाम है उन लोगों का? वो करते हैं कि हमको घर दे गए, हम घर के लिए बोल रहे थे, हमको घर चाहिए सर, हम सड़क पे तो नहीं रह सकते। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल समद शेख, आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज। आइए देखते हैं मुंबई समेत देश की तमाम खबरें। मनीषा शुक्ला नाम की महिला 15 साल से मुड़शी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी गोराईखाड़ी बोरीवली वेस्ट में रहा करती थी, उनको बिल्डर ने बिना पर्याय दिए घर से बाहर निकाला। पीड़ित महिला मनीषा शुक्ला ने बताया कि बिल्डर के द्वारा 4 से 6 महिला और 15-20 गुंडे जबरन घर में घुसकर उनके परिवार को जान की धमकी देते हुए उनका सामान बाहर निकाला। मनीषा शुक्ला ने बताया जब वह बाजार से घर लौटी तो उनको भी धक्का मुक्की देकर बाहर निकाला, जिसके कारण महिला को चोट भी आई और उन्होंने अपना मेडिकल भी करवाया। महिला मनीष शुक्ला ने बताया है कि उन्होंने 100 नंबर डायल किया था और पुलिस 2 घंटे के बाद आई। पीड़ित महिला मनीष शुक्ला ने बताया कि इसके बाद उन्होंने पुलिस चौकी में NCB लिखवाई। अब यह महिला अपने सामान समेत सड़कों पर रह रही है। बेसहारा पीड़ित महिला मनीष शुक्ला ने बताया कि इनको बिल्डर ने घर देने का वादा किया था। पीड़ित महिला मनीष शुक्ला ने लिखित में मांगा तो बिल्डर ने नहीं दिया। अब इस पीड़ित महिला की मांग है कि उनके परिवार को घर दिया जाए। आइए देखते हैं 24 यस न्यूज की यह रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख, आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज़, और हमारे साथ में हैं सहयोगी चैनल फेस टू फेस। आज मैं आया हूं एक महिला से बात करने जो 15 साल से एक सोसाइटी में रहती थी गुरईखाड़ी में, और उनको जबरन खाली करा दिया गया। ये मैं नहीं, एक महिला का इल्ज़ाम है कि इनको जबरन खाली करा दिया गया और इनको कोई पर्यायी जगह नहीं दी गई। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्ते, हम मनीषा शुक्ला बोल रहे हैं। हम यहाँ पे काफ़ी समय से, यानी कि हम 15 साल से यहाँ रह रहे हैं बिल्डिंग में। जोर से बोलिएगा। हम ये बिल्डिंग में काफ़ी समय से, मतलब 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। तो हम अभी जो बिल्डर आए हैं नए, उनके लोगों ने घुस के हमारे घर में 4-6 औरत लोग घुस के और 15-20 आदमी लोग घुस के, जैसे गुंडे जैसे थे, उन्होंने मेरे घर में, मेरे बच्चे घर में रहते हुए, उनको जान की धमकी देते हुए मेरे घर का पूरा सामान बाहर फेंक दिया। और जब मैं बाज़ार से घर आई तो मुझे भी धक्का दुक्का दे के, मुझे भी गाली गलौज करके, मुझे भी बाहर धक्का दे के बाहर कर दिया घर से, जो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा उसके लिए। और उसके बाद मैं जब उनको रिक्वेस्ट करने लगी तो उन्होंने और धक्का दे के मुझे सब मेरा घर का सामान तोड़ फोड़ के बाहर कर दिया। मेरे बच्चे भी डर के बाहर हो गए। अभी मैं सड़क पर बैठी हूँ सर। तो आपने पुलिस को बुलाया जब ये हादसा हाँ, हुआ? पुलिस को जब हम बुलाने गए तो वो 2 घंटे के बाद आई। हमने 100 पे कॉल किया, 2 घंटे बाद जब हमारा पूरा सामान बाहर आ चुका था, उसके बाद 100 पे 2 घंटे के बाद पुलिस आई है? हाँ, 2 घंटे के बाद पुलिस आई है। हमने फ़ोन किया तो हमने बाद में जाके NCB लिखवाई सर। तो NCB लिखाने के टाइम पे भी उन्होंने बताया कि ये सिविल मैटर है, आप कोर्ट में जाओ। तो हमने रिक्वेस्ट करके NCB लिखवाई जैसे भी करके, और उन्होंने बताया कि ये सब सिविल कोर्ट है, ये सब कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। NCB किस बात पे लिखी है? NCB पे क्या लिखा है? NCB में हमने लिखा है कि हमारे घर में 2-4-8 लेडीज़ लोग घुस के, उन्होंने और आदमी लोग घुस के, गुंडे लोग घुस के हमको जबरन बाहर निकाले। आप FIR की मांग नहीं की, आपको जबरन निकाला गया। बाद में हमने नेक्स्ट डे जाके, उस 4 दिन बाद हमारी तबीयत ठीक होने के बाद में हमने FIR भी लिखवाया सर। ये आप जो सोसाइटी में थे, सोसाइटी का नाम क्या है, यहाँ का एरिया का नाम क्या है? ये एरिया का नाम मिस्टर, अभी जो बिल्डर आए हैं, मिस्टर वसंत शेटिया बिल्डर है, जो अच्छे नामचंद है, उन्होंने ये ऐसा किया है हमारे साथ में। और उन्होंने हमारे जो मात्र बिल्डर है, उनका भी सब जो गाले थे, उनके गाले जो थे 6 गाले थे, 1 गाले में उनकी ऑफिस थी और 4 गाले में उनके होटल चल रहे थे, वो भी उन्होंने तोड़ के ख़त्म कर दिए। सोसाइटी का नाम बताओ, जगह का नाम बताओ। सोसाइटी का नाम है मुलशी कोऑपरेटिव सोसाइटी। अच्छा, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट है? आपके पास लाइट बिल आती थी, आपका आधार कार्ड? लाइट बिल हम भरते थे, लाइट बिल है हमारे, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है हमारा, वोटिंग में हमारा नाम है, हमारे पास बुकिंग के कागजात पड़े हुए हैं। कितने लोग रहते थे सोसाइटी? हम लोग करीबन 13 से 15 जन थे अभी फिलहाल, जिनको इन्होंने क्या किया, सबको ऐसे ही डरा धमका के, पैसे की लालच दे के बाहर कर दिया सर।
ये कार्रवाई कब हुई और कितने लोग यहाँ से चले? ये 4 तारीख को इन्होंने सब कार्रवाई की। उससे पहले इन्होंने 4-15 दिन से यही चलाया था कि इनके आदमी लोग आते थे, जबरन हमारे लोगों को धमकी देते थे और पैसे की लालच देके बाहर कर दिए इनको। कितने साल से आप यहाँ पे रह रहे थे? हम लोग 15 साल से हैं सर, 2005 से हम लोग यहाँ हैं सर। अकेले यहाँ पे बच गए, बाकी के सब लोग चले? सब लोगों को डरा धमका के पैसे की लालच दे के बाहर कर दिए बिल्डिंग से सर। तो आपका डॉक्यूमेंट आप बता रहे क्या था, कैसे भूल गए? हमारे डॉक्यूमेंट सब सामान फेंक दिया सर, उसमें सब हमारे कागजात भी ये वो सब फेंक दिए बाहर इन्होंने, पूरा सामान तितर बितर तोड़ दिया पूरा सामान हमारा, बहुत लॉस हुआ है सर हमारा। आपका पूरा नाम बताइए? मेरा नाम मनीषा शुक्ला सर। आपके परिवार में कौन कौन रहता था यहाँ पे? मेरा लड़का, मेरी बहू और पोता। तो आप कई दिन हो गया आपका सामान बाहर करके? 4 दिन हो गए सर, अभी आज 10 तारीख है, 4-5 दिन से हम सड़क पे ही रह रहे हैं सर। कितने तारीख को सामान बाहर किया गया? 4 तारीख को सर सामान बाहर कर दिया। तो जब से आपसे कोई पूछने नहीं आया? कोई नहीं पूछने आया सर। अच्छा, आप बिल्डर के पास गए? बिल्डर के पास हमको जाने ही नहीं मिला, हमारा सामान सड़क पे हम कैसे जाए सर? सामान लोगों को पहचानते हैं जिसने आपको बाहर किया? हाँ, हम सबको पहचानते हैं सर। क्या नाम है उन लोगों का? वो सब वसंत छेड़िया के सब इंसान है, अश्विन गौर है, ललिता है, उनकी सब लेडीज लोग हैं और आदमी लोग हैं उनकी। अच्छा, हाँ। तो अभी क्या मांग करते हैं आप? हम मांग करते हैं कि हमको घर देवे, हम घर के लिए बोल रहे थे, हमको घर चाहिए सर, हम सड़क पे तो नहीं रह सकते। क्या जवाब दिया आप घर मांगे तो? तो बोले हमको घर देने का वादा किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो घर दिया है वो भी टूटने वाला, और उसका एग्रीमेंट नहीं दे रहे थे हमको। ऐसी जबानी ओरली बोले उन्होंने, लिखित एग्रीमेंट मांगा तो उन्होंने दिया नहीं सर मुझे, और उन्होंने ये मेरा रूम तोड़ दिया, मैं नहीं निकली तो उन्होंने गुंडे लोगों को घुसा के तोड़ के मुझे बाहर कर दिया। एरिया के नगर सेवक या MLA या MP के पास आप गए थे? हाँ, हम गए थे राणे सुनील राणे के ऑफिस गए थे हम रिक्वेस्ट लेके, कि तब हमारे पानी लाइट भी ये बंद कर दिए थे इन्होंने, और इन्होंने तोड़ काम चालू कर दिया था जबकि हम यहाँ रहे थे, तब हमको जीव हानि की बहुत चिंता लगी थी, तब इनके दरवाजे हम गए थे रिक्वेस्ट करने के काम रुकाओ, और इन्होंने इलीगल काम चालू किया था, इनको कोर्ट से बाय परमिशन मिली है नहीं मिली है ये नहीं बता रहे, और इन्होंने पुलिस स्टेशन से परमिशन लेके सर ये सब चालू किया है काम, जबकि इनको बाय कोर्ट से परमिशन नहीं है तोड़ने की सर। तो आप 4 दिन से अभी कहाँ रहते हैं, आपके परिवार कहाँ रहते हैं? अभी हमारे परिवार सब फुटपाथ पे ही रह रहे हैं सर। तो हमने बात किया लेडी से जो बहुत दुखी है, और इन्होंने कहा कि हम हर जगह गए, MLA MP नगर सेवक जहाँ भी जाना चाहिए, पुलिस चौकी में भी गए, लेकिन हमारा सिर्फ एक छोटा सा NC लिखा गया, और हमारे को जो सहायता चाहिए या हमको पर्याय जागे चाहिए वो कोई जगह हमें देने की बात नहीं हो रही। आप देख सकते हैं कि ये सामान इनका जो है ये बाहर रखा हुआ है, फुटपाथ पे रखा हुआ है, और ये सोसाइटी है जो पत्रा आप देख रहे हैं, ये पत्रा के पीछे वो बिल्डिंग है जो सोसाइटी जिसको तोड़ा गया और इनका सामान बाहर किया गया। कुछ लोग पहले, इनका कहना है कि कुछ लोग पहले डरा धमका करके वो लोग चले गए, डराए धमकाए तो, और हम बच गए थे और हमें भी यहाँ बाहर कर दिया गया। तो ये मांग कर रहे हैं प्रशासन से कि भाई हमको पर्याय जगह दी जाए, हम 15 साल से यहाँ पर रहते हैं, आज गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती है, ये मैडम का कहना है। देखते हैं आगे पुलिस प्रशासन इसकी जांच करके और MLA MP क्या एक्शन लेते हैं और गरीबों की क्या सहायता करते हैं। कैमरामैन शादाब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई। दर्शकों, अभी जिस महिला से हम लोग ने बात की थी, यहाँ ये गोरे खाड़ी मुलशी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 15 साल से यहाँ पर रहती थी, और हमारे साथ एक एडवोकेट साहब, आपका नाम? मीत राजेश बोरा है, यहीं पे हमें इत्तेफाक से मिल गए। इन्होंने कुछ पॉइंट बताया है कि जो अगर 15 साल से रहता है तो अपना लॉ के हिसाब से वो कुछ कहना चाहेंगे जी। सो बेसिकली सिनेरियो ऐसा है कि मैम के पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सो कहीं ना कहीं ओनरशिप और पोजेशन में जो हमारे स्टडीज़ में आता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी लिखा हुआ है कि ओनरशिप और पोजेशन के बीच में एक डिफरेंस है, वो एक सिल्वर लाइनिंग है। पोजेशन इज़ 9 points out of 10 एंड ओनरशिप इज़ 10 on 10। मतलब अगर कोई एक प्रिमाइस है, वो प्रिमाइस पे मैं पर्टिकुलर ईयर्स तक रह रहा हूँ, तभी भी मैं ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता उसके ऊपर। ऑल दो अगर मेरे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, जैसे हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, जैसे गैस का बिल हो गया, सोसाइटी का मेंटेनेंस हो गया, आधार पैन, डेफिनेटली आधार पैन में एड्रेस है,
सो उस हिसाब से वो क्लेम किया जा सकता है और दैट्स इट. कितना बता, 9 out of 10? हाँ, मींस 90 पोजीशन इज 9 out of 10. जो जो हाँ, वो जो एक पॉइंट है वो ओनरशिप के तरफ जाता है और वो एब्सोल्यूट ओनरशिप है जो रिप्रेजेंट होता है तब जब एक टाइटल हो, एक गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड टाइटल हो, जो हमारे सब रजिस्ट्रार अथॉरिटी होते हैं यहाँ पे बोरीवली में भी है, वैसे अलग 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 जगह पे होते हैं, तो उनका काम वही है कि व्हेन दे टेक रजिस्ट्रेशन फीस दे सर्टिफाई एंड दे टेक द अथॉरिटी कि आने वाले 50 सालों में भी आपको आपका अग्रीमेंट मिल जाएगा. सो अभी काफ़ी अग्रीमेंट्स ऐसे हैं कि 1960s के एरा के भी है, वो अग्रीमेंट अभी तक सही सलामत वो ऑफिस में वहाँ पे पड़े हुए हैं. सो अगर ये चीज़ हो जाती है तो एक टाइटल हो जाता है, एक ओनरशिप का क्लेम हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी ही है. व्हाट इज़ द प्रूफ? ये वही बात हो गई. थैंक यू.